आप साउंड से करो कोशिश करने वाले मुंडी मेरे सैंडल मिल के कहाँ लेके गए थे आप मेरे सैंडल हैं क्यों लेके गए थे आप मेरे सैंडल तो अभी हम लोग लाहौर म्यूजियम पहुंच चुके हैं तभी हम लोग देखेंगे यार लाहौर म्यूजियम तो अबला गया था बाइक लाने के लिए भाई अनम खड़े हैं ये और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इन छाँव में इंतजार इनका तो ये रहा लाहौर म्यूजियम ख़वातीन रोज़गार में हूँ आपका भाई साइंस को मिलता हूँ भाई सभी लोग बड़े मज़े में भाई फर्स्ट क्लास हो गए तो मैंने सोचा भाई आज आपको क्यों ना भाई लाहौर का म्यूज़ियम दिखाया जाए तो अभी हम लोग लाहौर म्यूज़ियम में आ गए हैं तो मेरे साथ आज ज्वाइन किया है भाई अनम और अब्दुल्ला ने किया है ज्वाइन तो अभी चलते हैं हम लोग म्यूज़ियम के पास आ गए हैं तो देख सकते हो आप बाहर से म्यूज़ियम तो अभी जा रहे हैं गेट की तरफ टिकट्स ले लिए और ये पुराने अकबर के ज़माने के दरवाजे और खिड़की हैं ये भी इसके ऊपर स्केच बनाए हुए हैं जैसे कि मूर्तियों के बने हुए हैं ना देखो मूर्तियां बनी ऊपर हर एक के ब्लॉक्स में और ये सारे हड़प्पा के बर्तन हड़प्पा के बर्तन और ये हड़प्पा के दौर की बस्तियां जो सी उनमें से खुदाई करके भाई ईंटें मिली आप वो टाइल चेक कर सकते हो टाइल कम से कम 2 फीट की होगी और ये ईंट देखो आप वो ईंट देखो महेंजोदड़ो में उसी पिक्चर्स होती ना इसकी मूवी भी है कि इंडिया ने एक मूवी भी बनाई हुई ऐसे ही है ना थोड़ी तो नहीं मैं कह सकता लेकिन तकरीबन सेम मिलती जुलती स्टोरी है उसके रिलेटेड पक्का मुझे भी नहीं है इस चीज़ का प्रॉपर इंडिया ने मूवी बनाई है लेकिन उससे मिलती जुलती स्टोरी आप कह सकते हो महेंजोदड़ो और ये उसका और मूवी में सेम नक्शा यही है मेरे ख्याल से सेम मूवी में नक्शा यही है और ये इसकी तस्वीर और ये उसका नीचे खुद बनाया हुआ नक्शा ये था महेंजोदड़ो था अब यहाँ से हो रहा भाई सिखों का शुरू अब यहाँ से सिखों का भाई सिखों के हथियार अब ये तलवार ये चाकू आ गया भाई आपको एक और मज़े की चीज़ बता दूँ उस दौर में भाई बर्फ़ भी होती थी और ये रहा उनका बर्फ़ वाला सूबा काफ़ी बड़ा है लेकिन हमें इसकी अशद ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे पहला और एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको उस दौर की भाई क्या बोलते हैं इसको तोप ये निशाना सांधने के लिए ना ये कि देखने के लिए दूर से ना मिडल उन्होंने लगाया हुआ है ये मेरे मिडल उन्होंने देखने के लिए लगाया हुआ कुछ ऐसा ही है इस चीज़ को आप लोग में से कुछ लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो दरबार में पहनते जिसे अब लोग घूमते थे ना ऐसे हाँ जो दरबार में पहनते घूमते थे फिर झंडियाँ ऐसे गोल गोल बनती थी ये वो चीज़ है एग्जैक्ट वो ही है ये कुर्सी टेबल है पत्थर के पत्थर का बना हुआ है सारे साइड पे इसके बहू शेरनी कुत्ता ये राजा दिलीप सिंह इसकी पिक्चर मैंने वहाँ पर भी देखी थी लेकिन वहाँ पर ना सफ़ेद था अभी इसमें ब्लैक ब्लैक तो खलो खलो के ना रंग काला हो गया था कौन ही तेन क्रीम ले आ लाँगे भाई यो 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 तोप का गोला जो पे शाही किला में दिखाते नहीं है इसको वहाँ पे कैमरा लॉ नहीं है एक बड़ा बहुत बड़ा मसला और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे हाथी के दांत से बना हुआ मेज कदीम और कुर्सी तो ये है भाई गुरु नानक की तस्वीर जिसने ही सिखों का मजहब बनाया था तो ऐसे लगता है ये जैसे ये ना ये मजहब खुद ही बनाया गया हो भाई अमृतसर का गुरुद्वारा उसका पूरा उन्होंने फ्रेम बनाया हुआ है कैसे है सारा भाई लूटो के जाने पसंद आ गए मैंने ये लेके जाने अभी ना और ये अब्दुल्ला आपकी शर्ट के बटन भी है इधर ये उस तौर की भाई बैलगाड़ी हाथ से बनी हुई भाई देखो ये पत्थर से इसकी खाल उतार रहे हैं बकरी की बकरी तो नहीं कह सकते हिरन है मेरे ख्याल से ना तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले ब्लॉक में यहाँ पे स्वाद के दौर की चीज़ें आप जैसा कि आप देख सकते हो स्वाद के दौर का लिबास और वहाँ पे रहने सहने का हज़ारों के गांव के का सूरज डूबने का खूबसूरत मंजर ये होता है और ये सारे उस वक्त के चीज़ें मदानी लकड़ी की इसको भाई पकड़ के ना यहाँ से आगे से निकलती है
एक रस्सी जिसको भाई ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था, अब जरा करके बताएगा आपको। वेल डन वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, तालियां। उसके बाद आ जाता है भाई खूबसूरत सा लिबास, शॉल, शॉल कह सकते हो आप, जैसे दुपट्टा शॉल। मेरे सैंडल मिल गए कहाँ लेके गए थे आप मेरे सैंडल हैं? क्यों लेके गए थे आप मेरे सैंडल? मुझे भाई निकाल के दो, मुझे नहीं पता सैंडल, मुझे निकाल के दो मेरे सैंडल। मेरे ये मेरे शूज भी अंदर आ दो फिर। पहन के चलोगे आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या रिव्यू होगा? इसके ना तो ऊपर वाले है यहाँ पे यार जो आपके पाँव को ग्रिप कर सके, बस ऐसे वो जैसे पीके मूवी में नहीं आता वो लेके जैसा। जुडी घोड़ी शुआल में आए थे, दो तो पूरा पिंड आया था बेच, यकीन करो यार ऐसे ही है। वो देखो पीछे इतनी बड़ी है, ऐसे 15-20 लड़कियों की दुपट्टे निकलते हैं। वो भाई पंखी जो आज के दौर में हम लोग भूल गए हैं। अब दस आप इस बार आपके सैंडल आए। मुझे लगा कि ये गूंटी पड़ी हुई है। ये वाली सैंडल कौन लेके गया है? भाई आनम। उनसे उनसे काफी अच्छी है ये। क्या कितने की मिल जाएगी ये आपको? बता तो होना पड़ेगा, हमेशा तो हां तोड़ने पे चलें चलें चलें, मैं शूट कर रहा हूं, जल्दी करें भाई जान। आपको मांगो फ्री में दे देंगे ये वाले शीशा तोड़ के। बस लेने आपने हैं। वेलकम टू डीजे। ये आप लोग कह सकते हो उस दौर की, उस दौर का गिटार ऐसे ही है बिलाज, गिटार तकिए का नीचे वो क्लीन है कारपेट और बेडशीट, और इस साइड पे फिर आ जाती है भाई शॉल, और ये भाई आ जाते हैं देसी बर्तन। अब्दुल्ला जल्दी करो पानी ले गए, हांडी लग जाएगी तेरी थले। देखो देखो यार आप लोग देखो नीचे आग जल रही है, और ये आगे से भाई धागा बनाया जाता है ना, इससे भाई धागा बनाया जाता है, ये वो चीज़ आ गई है, और वो रही रुई, उसके साथ आगे भाई फल, और यहाँ पे आ गई भाई जामनू, जामनू है ना ये, और ये तो खतून सोई हुई है बैठ बैठ के, इसको डिस्टर्ब ना करो। ये रहा भाई आईना, सब भाई हो गए नहीं थले, मेरे कॉल आई है जूते और बताओ। बिल्कुल ऐसे ही है। ओ यार ये पंखी चेक करो कितनी बड़ी पंखी है, ओए हो ये बंदा ऐसे ऐसे करे अद्धे पेंट नु वाला ओ लैटर चल भाई। आ गया डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान में आता था, और नीचे भाई डोल्ड मका हो रहा है, और साइडों पे भाई डांस हो रहा है। आगे भाई हम लोग आ गए हैं चुलस्तान में, वेलकम टू चुलस्तान। पंजाब पंजाब में कोई, पंजाब में कोई लाया गया यार वैसे ही। ये आ जाता है कश्मीर, और हम लोग भाई चल चल के थके हैं, कश्मीर पहुँच गए हैं, अब कश्मीर में थोड़ा सा स्टे लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे भाई कलाशा, कलाशा कलाश, फिर हम लोग चलेंगे भाई भाई कश्मीर से आगे आ जाएगा कलाश, फिर पाकिस्तान ख़त्म। ये ब्रो आ गए भाई कलाश में, तो कलाश में ये ढोल गिटार और नगा, हाँ इसको नगाड़ा, नगाड़ा देख लिया भाई आपने, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने आज नंगाला देख लिया। ये गोशे करने वाले मुंडी पर ढोल है असल में, ढोल। हम लोग जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे शोर से आ रहा है, और नहीं जाके ये ब्लॉग बनाते हैं, तो बिस्मिल्लाह बच गया बच्चा। हम इस ब्लॉग में आ गए जहाँ पे पुराने सिक्के पड़े हुए हैं सारे, पाकिस्तान की करेंसी जो सी अभी नहीं है, 100 रुपये का नोट पहले कुछ इस तरह का होता था, 100 रुपये का, 100 रुपये का, ये 10 रुपये का आ गया, और 5 रुपये का, 5 का, 2 रुपये का, 2 रुपये का,
रुपए का तो नहीं है इधर है ना, ये लामा इकबाल के सन कॉपी है, असल नहीं है मेरे यहाँ, कॉपी है उसकी, ऊपर उसकी लाहौर हाई कोर्ट का बार से मेंबर होने का। भाई ये टैंक में जो से मिसाइल इस्तेमाल नहीं होते उनके पिछले वाले शेल्स 1965 के हैं, इंडिया पाकिस्तान और जंग में जो से इस्तेमाल हुए थे ना ये वो हैं। ये आप लोग बंदूक देखो यार कितनी बड़ी है, ये हमसे चाहे उठाई ना जाए इतनी तो वजनी बंदूक है ना ये शोल्डर पे डाके चलने वाले थे। मंदिर का गुंबद असल है, असली है, पत्थर का बना हुआ है, इसको कैसे उठा के लेके आए हम, ये काफ़ी वजनी होगा ना, बहुत ज़्यादा वजनी होगा ये। तो ये सारी मूर्तियाँ यहाँ ना देखो, वहाँ पे भी मूर्तियाँ, यहाँ पे भी, और ये सारी अब मैं आपको बड़ा तफसील से बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। ये देखो ये किसी के गंदे काम देखो आप हैं, कहाँ पर रखिए खा के चीज़ें। तो ये बड़ा भाई जो सा ब्लॉग था ना ये सब हिंदुओं की मूर्तियां का था ये सारा। लोग अभी हम लोग आ गए हैं अगले वाले पे, भाई हम कह रहे हैं भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, बकरी ये आ गया भाई मेड इन चाइना भला। ना चम्मच भी जे सूप पीने वाली थे चीनी के सारे भाई चीनी के हैं तो भाई चाइना के होंगे, चीनी के बर्तन मुताबिक ही चाइना ने किए बिल्कुल, चीनी के बर्तन मुताबिक ही चाइना ने किए हैं बिल्कुल। भाई चाइनीज ताले चेक करो यार आप, वो कमाल के हैं, सबसे पुराना और बड़ा ताला। अब ये ले जाओ अपनी बाइक को ये वाला लगाना सही रहेगा, ओडी में ओडी पर मोटरसाइकिल और जिधर महंगा ताला हो है ना ऐसे ही है कोई बात नहीं, ताला महंगा रखा ताला महंगा बाइक चाहिए हो। भाई भाई चल चल के ना बस हो गया और भाई यानी तो ज़्यादा ही बस हो गई है अभी भाई आ गई इस्लामिक गैलरी, यहाँ पे इस्लामिक ब्लॉक भी आप कैसे सकते गैलरी भी कैसे जहाँ पे इस्लाम के रिलेटेड है सब कुछ, और हाल है सिंध के मिट्टी के बर्तन, ये भाई सिंध के मिट्टी के बर्तन है। और ये भाई हाथ से बने हुए कालीन वो भी असली, इसमें फूक मारो आपकी फूक खत्म हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा अब मैं फूके मार मार के थक जा रहा है ऐसे अब्दुल्लाह ऐसे ही। तो भाई बस इतना से यार तफसील से लम्बा हाल नहीं देखा मैं, और बाहर से भैया ठंडी हवा। The next day अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो आज हमारा लाहौर में आखिरी दिन, तो मैं सोचा भाई जाते जाते दो तीन चीज़ें देखते जाते हैं। अभी का मेरा कुछ प्लान इस तरह का है कि पहले देखूंगा ऑरेंज ट्रेन, उसके बाद अगर मूड हुआ तो फिर चलेंगे आर्मी म्यूज़ियम, वो अभी कंफर्म नहीं है आर्मी म्यूज़ियम वाला, तो पहले ऑरेंज ट्रेन देख लेते हैं, तो देख लेंगे हमारे पास कितना टाइम बचा, फिर हम लोग टाइम के हिसाब से टाइम हुआ तो फिर हम लोग आर्मी म्यूज़ियम चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी का प्लान कुछ इस तरह है कि पहले जाऊंगा मैं कैंची स्टॉप, वहाँ से लूँगा मैं मेट्रो, मेट्रो लेके उतरूंगा मैं एमओ कॉलेज, एमओ कॉलेज उतर के उतरते साथ ही ना फिर आ जाता भाई ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन, वहाँ से हम लोग को फिर ऑरेंज ट्रेन लेंगे, उसका थोड़ा सा रूट लेंगे यानी कि उसको चेक करेंगे, बैठेंगे घूमेंगे फिरेंगे मज़े उठाएँगे, फिर उसके बाद अगर टाइम हुआ तो फिर मैं आपको बताऊँगा आगे का प्लान, आर्मी म्यूज़ियम जाने का प्लान हुआ तो। वैसे दिल तो मेरा बड़ा कर रहा है लेकिन हम लोग टाइम को देख के चलेंगे आज। अभी
मेट्रो से उतरे हूँ, अभी ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन ढूंढ रहे हैं। ये आपको देख के लग रहा होगा कि ये भाई कोई मैरिज हॉल या कोई ऐसी बिल्डिंग है, नहीं, ये भाई ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है। अब रोड क्रॉस करके चलते हैं इसके अंदर। ट्रेन का स्टेशन आ गया, तो यहाँ से पहले ना अपने अपना रूट देख लेते हैं, मुझे कहाँ पे उतरना उस हिसाब से मैं फिर वहाँ का टोकन लूँगा। अभी मैंने बंद रोड का टिकट ले लिया, अभी वहाँ से बंद रोड पे उतरूँगा ऑरेंज ट्रेन से, उससे आगे फिर कोई भी दोस्त नज़दीक अड्डा होगा वहाँ से मैं बस पकड़ के भाई गुजरा वाला। तो अभी इसका एक्सपीरियंस करते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा पहले मूड ये था कि मैं यहाँ से अगर जल्दी पहुँच गया ना स्टेशन तो फिर हम लोग चलेंगे म्यूज़ियम, आर्मी म्यूज़ियम, लेकिन मेट्रो में कोई इशू बन गया था, ट्रैफिक जाम थी जिसकी वजह से एक घंटा उधर लग गया, कि मेरा सारा प्लान जो था वो चेंज हो गया, क्योंकि अभी यहाँ तो बच गया मुझे इधर ही, तो फिर वहाँ पे जाते जाते वो सारा बहुत शाम हो जाए, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। अभी चलते हैं सीधा भाई गुजरा वाले, यहाँ से ऑनली ट्रेन पर बैठते हैं। अभी भाई यहाँ पर ट्रेन का हो रहा है इंतज़ार, अभी वो गई है उस साइड की, अभी अपनी साइड की आएगी, उसका इंतज़ार हो रहा है अभी। काफ़ी मज़े वाला एक्सपीरियंस था, और भाई आपको पूरी ऐसी फीलिंग मिलेगी अंदर जैसे आप यूरोप में आ गए हो फुल। भाई कंडीशन, अगर कंडीशन की बात करो भाई, कंडीशन 10/10, यकीन करो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, बस एक मेट्रो की छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरा पूरा प्लान ख़राब हो गया। और अभी यार गुजरांवाले के लिए निकलते हैं। A few moments later. यार पहुंच गया हूँ अभी शाम के तकरीबन 4:15 हो गए, तो अभी पहुँचो जो सा 1.5 घंटे का सफ़र था ना वो मैंने भाई 4 घंटे में तय किया। आज सही जलील हुआ हूँ मैं, पूरी खुआरी काटी है मैंने आज। भाई जान हरियाली देख के भाई दिल खुश हो गया, वाह वाह वाह, बड़ा मिस किया यार मैंने अपने गाँव को ना।